सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि की रामनगर से। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं नामकरण में, तो पहले मैं मौसी को बुला के लाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ मौसी के घर, तो मैं पहुँच गई हूँ मौसी के घर, देखती हूँ मौसी तैयार हुई या नहीं। मौसा जी प्रणाम, देखते हैं मौसी तैयार हो गई। हाँ यहाँ मौसी और ये तैयार और ये अनन्या। अभी मौसी का मेकअप वेकअप हो रहा है और मिन्नी कर रही है अनन्या का मेकअप। अभी आ गए हैं मौसी लोग भी तैयार होके, और ये है मिन्नी। हेलो मिन्नी। और ये अनन्या और वो वहाँ पे मौसी। तो हम सब लोग तैयार होके अब जा रहे हैं मंजू मौसी के घर, और फिर वहाँ से मंजू मौसी भी आएगी और फिर साथ ही जाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं मौसी के घर, तो मौसी भी हो गई तैयार, और वो हैप्पू ये तो अंदर ही रहती है, कहीं जाती नहीं है। चलो रे। और वहाँ पे ईसु बैठी है, तैयार हो गई। चलो फिर चलते हैं। तो अभी हम चले गए हैं और अब मौसी करेंगी वहाँ डांस। तो आप कौन से गाने में करोगी? आप कौन से गाने में करोगी? लाल दुपट्टे में ना। हाँ, मौसी करती है लाल दुपट्टे में डांस। और ये वाली मौसी आप किस में करती हो डांस? देखेंगे वहाँ पर। अच्छा वैसे आप ज्यादा डांस अनन्या दादी किस में करती है वैसे डांस? और मौसी पता किस में डांस करती है? पान खाई, पान खाए सैया वाले में। मौसी पान खाए सैया। हेलो हेलो सुनो मैम, आप कौन से गाने में डांस करेंगी? और आप? हम भी किसी में। चलो बढ़िया, हम भी देखेंगे आपका डांस। ओके, और आपको भी दिखाएंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं पर्वतीय सभा जहां पे नामकरण हो रहा है। बच्चे खा रहे हैं। हेलो, हम लोगों ने खाना खा लिया और अब खाते हैं। तो अभी अनन्या को देखना है, छोटा बेबी। तो हम आ गए हैं नामकरण से वापस खाना खा के। तो अभी हम रास्ते में आए हैं। हेलो, आपने क्या क्या खाया? मैं तो लंच भी लेकर आई। मौसी तो घर भी ले आई, वहाँ भी खा के आई और घर भी ले आई। बेटी ने खाना नहीं खाया इसलिए मैं लिया, क्योंकि मुझे खाना बनाना पड़ता ना इसलिए। अब हम जा रहे हैं घर को और मौसी चली गई इधर को, क्योंकि मौसी का घर ऊपर की साइड को है। बाय। और हम जाएंगे यहाँ से, और अनन्या पहुँच गई है आगे। अभी हम आए हैं दीदी लोगों के घर मिठाई देने, तो अभी हम मिलवाते हैं आपको दीदी के बच्चों से। ये है सुहानी। सुहानी कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। और दिवाली कैसे रही? अच्छी रही। पटाखे फोड़े? हाँ। हेलो मानू। मानू ने कितने पटाखे फोड़े? और ये है अनन्या, और यहाँ भी इसकी शैतानी ही चल रही है। बना दी दीदी ने चाय और हम पीते हैं चाय। दोस्तों हम आ गए हैं दीदी के घर से। तो आज हम जैसे दीदी के घर से आधे रास्ते में आए थे, तो अनन्या ने क्या किया? और इसने प्रैंक क्या किया, इसने अपने पापा से कहा कि मेरी वैली वहीं छूट गई। तो जैसे हम इसकी वैली लेने वापस जा रहे थे, तो ये जोर जोर से बोलने लग गई प्रैंक प्रैंक। गाइस ये मेरा छोटा सा प्रैंक था पापा के साथ। बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त, और मिलती हूँ आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।